वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं सभी का स्वागत करता हूं मुकेश सर चैनल पे। आपको पता है कि इस सीरीज में हम लोग आपको कॉन्फिडेंस बहुत दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि कम समय में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलता है और इससे बूस्टअप भी मिलेगा। कम समय में मतलब हमारा टारगेट होता है 5 या 15 मिनट के अंदर कोई भी डेरिवेशन करके आप लोग कम समय में, अगर मैं तो आपको सजेशन दूंगा 1.5 के एक्स में देख लीजिएगा अगर आपके पास समय कम है तो। अगर समय ज्यादा है तो पूरा वीडियो देखो, कोई टेंशन नहीं है। और जहां जहां चीजें आपको लगती है कि मुझे आता है तो स्किप भी कर सकते हैं। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि यार पूरा वीडियो देखो, ये करो वो करो, क्योंकि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टाइम को बचाने के लिए हमने ये सीरीज चालू की है। बड़ी तो मुकेश सर चैनल पे मैं आप लोगों को बता दूं यार कि ये जो सीरीज है, इस सीरीज का फायदा सबको होना चाहिए, इसलिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, न्यू तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो चलो यार, इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी व्यूज, ये जो है ये स्टैंडिंग व्यूज होती है, इसका इक्वेशन क्या होता है हम लोगों को आज पढ़ना है डिटेल में, ठीक है। तो मैं बता दूं कि यार दो व्यूज आ रही है, ठीक है, एक व्यूज आ रही है इधर से समझो ऐसे, और एक व्यू इधर से आ रही है, और ये व्यूज स्टैंडिंग बन रही है। बात समझ में आ रही है? ये स्टैंडिंग व्यूज बन जाती है ऐसे। इसको कहते बेटा नोड, इसको भी ये नोड जिसका एम्पलीट्यूड जीरो है ना, नोड, ये भी नोड है, ये भी नोड है, और ये जो है बेटा ये है एंटी नोड, ये है एंटी नोड, ये है एंटी नोड, ये एंटी नोड है। कोई शक यार, नोड एंटी नोड की बात पता होना चाहिए। उसके बाद मैं बता दूं आप लोगों को कि यार ये पूरे व्यूज को हम लोग लैम्ब्डा कहते हैं। क्या कहते हैं? लैम्ब्डा। इससे लूप बन जाती है तो ये होता बेटा लैम्ब्डा बाय टू होता है। ये क्या होता बेटा? लैम्ब्डा बाय टू होता है। समझ में आ रहा है? लेकिन नोड और एंटी नोड के बीच का लैम्ब्डा बाय फोर डिस्टेंस होता है। ये सिंपल सिंपल चीजें पता होना चाहिए कि दो लूप है तो लैम्ब्डा, एक लूप है तो लैम्ब्डा बाय टू, इसका आधा लूप हो तो लैम्ब्डा बाय फोर। बात समझ में आ रही है? तो ये पता होना चाहिए। इसमें हम लोगों को हमारे साथ जो स्टैंडिंग व्यूज का जो इक्वेशन दिया है वो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन हो, इस डायरेक्शन में ऐसी व्यूज कुछ स्टैंड हो रही है ना, तो इसके लिए इक्वेशन लिख सकते हैं y1 इज इक्वल टू ए साइन, ठीक है, यहां पे टॉइस पाई यही है, ओके, एंटी माइनस एक्स बाय लैम्ब्डा। ये इक्वेशन आपके पास होना चाहिए, पता होना चाहिए, ये पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन किसी ने बोला कि सर हमारी तो व्यूज तो निगेटिव डायरेक्शन में जा रही है, तो डोंट वरी यार, कुछ नहीं है, उसको y2 बोलो, a साइन बोलो, ये टॉइस पा, सेम इक्वेशन है, एंटी, खाली यहां पे प्लस आएगा, ठीक है बेटा, ओके। हम लोगों को यहां पे रिजल्ट निकालना है दो व्यूज का, तो हम लोगों को सुपर पोजिशन व्यूज बोल के एक प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हैं, y1 प्लस y2 दोनों को ऐड करो यार। y1 की वैल्यू यहाँ पे a साइन टॉइस पार एन टी माइनस x बाय लैम्ब्डा प्लस करना है आप लोगों को, हाँ जी, ये a साइन, ठीक है, टॉइस पार एन टी प्लस x बाय लैम्ब्डा। समझ में आ रहा है? ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से इन दोनों को मैंने ऐड किया है। ऐड करने के बाद आप लोगों को एक फार्मूला शायद पता हो, साइन सी प्लस साइन डी जो इक्वेशन है, इसका जो फार्मूला है वो लिख के दे रहा हूं आप लोगों को, टॉइस साइन, ठीक है, सी प्लस डी डिवाइड बाय टू कॉस सी माइनस डी डिवाइड बाय टू। ये टिग्नो का हम लोग फार्मूला यहां पर अब इसके अंदर उसको डाल देंगे और देखते हैं क्या आता है। y is equal to, देखो ये 2 as it is, हाँ सर, ये 2 a, हाँ सर, sin, हाँ सर, लेकिन 2 pi common है इसलिए 2 pi। अब sin c किसको बोला होगा? obviously इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को d बोला है, तो रख देते, हाँ जी रखो, चलो n t minus x by lambda c, ये c वैल्यू बेटा, ये d है प्लस, इसको प्लस करो n t प्लस एक्स बाय लैम्ब्डा, यहां पे डिवाइडेड बाय ये टू है। कोई शक है यार? मुझे लगता है कि ये पूरी टर्म समझ में आएगी, सी प्लस डी डिवाइड बाय टू है, सी कौन है? एन टी माइनस एक्स बाय लैम्ब्डा, डी कौन है? एन टी प्लस एक्स बाय लैम्ब्डा डिवाइड बाय टू। चलिए सर कॉस, ओके कॉस, ये पूरा अभी हुआ नहीं है फार्मूला, यहां पर टू पाई कॉमन है, हाँ जी, यहां पर सर सेम टर्म लेकिन माइनस है, सी माइनस डी, तो देखो एन टी माइनस यक्स बाय लैम्ब्डा। अब यहां पे एक टर्म, एक फालतू की एक स्टेप बढ़ सकती है, लेकिन मैं इसको क्या कर रहा, रिड्यूस कर रहा हूं। क्या करेंगे यार, माइनस मतलब इसको नहीं, क्या जो साइन होंगे उसके उल्टे दो, एंटी को माइनस,
यहाँ पे प्लस है, ये भी माइनस, क्योंकि उल्टे साइन देना है माइनस है, तो डिवाइड बाय टू। चलिए बढ़ते आगे, क्योंकि हम लोगों को इस डेरिवेशन, क्योंकि 3 या 4 मार्क के लिए बहुत बार डेरिवेशन आता है बेटा, ये इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे तो लगता है मतलब आता ही भी है। मैंने आप लोगों को इसके पहले एक वीडियो डाला था, उसमें बताया था मुकेश सर चैनल पे, शायद आप लोग भूले नहीं होंगे। तो यार प्लस माइनस को काट सकते हैं, हाँ जी यहाँ पे भी प्लस माइनस को काट सकते हैं, नहीं मैंने सॉरी ये काटना चाहिए, ये गलती से काट दिया, ठीक है ये नहीं है। तो वाई इज इक्वल टू टॉइस ए साइन टॉइस पाई, यहाँ पे एन टी प्लस एन टी दो टाइम्स है, इसलिए टॉइस एन टी डिवाइड बाई टू, यहाँ पे कॉस टॉइस पाई, यहाँ पे यार ये यक्स माइनस है, लेकिन माइनस टॉइस यक्स बाय लैम्बडा, और ये टू डिवाइडेड बाय है, सही यार कोई टेंशन नहीं है, टू से टू को मार दो, इस टू से टू को मार दो। अगर आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो बता देता हूं, यहां पे माइनस कॉस थीटा रहा तो कॉस थीटा ही मिलता, प्लस कॉस थीटा ही मिलता है। आपको लगेगा माइनस कहां गया सर, तो माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो वाई इज इक्वल टू टू ए साइन टॉइस पाई एन टी, समझे ना, एन टी क्यों लिखा डायरेक्ट मैंने, समझ में आ रहा है। ये बचा है मेरे पास कॉस, इसको लगे तो ब्रैकेट रख सकते हो, कॉस यहाँ पे टॉइस पाई यक्स बाय लैम्ब्डा, कोई शक है यार, समझे क्या, दो से दो मर गया, यक्स बाय लैम्ब्डा, देखो टॉइस पाई यक्स बाय लैम्ब्डा। लेकिन एक बात बता देता हूं, ये जो हम लोगों ने वेव देखी है, इसका जो एम्पलीट्यूड है ना, ऊपर कितना ऊपर जा रहा है, हर पार्टिकल का एम्पलीट्यूड स्टेशनरी वेव्स में डिफरेंस होता है, और एक ही ऑक्सीडेशन में हर पार्टिकल दो बार को मीन पोजीशन को दो बार क्रॉस करता है, कैसे सर, देखो इसका एम्पलीट्यूड इतना दिख रहा है आपको, है ना यार, ये स्टेशनरी वेव्स है आपकी, इसका देखो कितना बड़ा है, इसका देखो कितना छोटा है, दो बार कैसे ऊपर जाना, एक बार देखो वापस आके आ रहा है, मतलब दो बार को मीन पोजीशन को इसको क्रॉस करना पड़ता है, और मीन पोजीशन पे सबसे ज्यादा पार्टिकल की वेलोसिटी होती है, सबसे ज्यादा मीन पोजीशन पे, सबसे एक्सट्रीम पोजीशन पे मिनिमम टू जीरो, समझे ना। तो ये बात पता होगी, तो इसमें से आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा कि इसमें से कौन सा एम्पलीट्यूड होगा, सवाल सही है, अगर आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता है तो बता दे रहा हूं भैया कि आप बोलेंगे ना सर कॉस टॉइस पाई एक्स बाय लैम्ब्डा को ही ए क्यू बोलना है, तो यार इसमें यक्स है, यक्स मतलब मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, कौन सा पार्टिकल कर रहा, कौन सा ज्यादा यक्स कर रहा है, तो इसीलिए इसको रीअरेंज किया गया, टॉइस ए कॉस वाले को पहले डाल दिया, टॉइस पाई एक्स बाय लैम्ब्डा यहाँ पे साइन टॉइस पाई एन टी, मुझे लगता है इस टर्म को हम लोग ए बोल सकते हो, ए साइन, देखो थोड़ा कुछ चेंजेस करो, वाह इतना बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा डेरिवेशन, इतना बड़ा न्यूमेरिकल टर्म्स इतने कम समय में कैसे लिखा, बताता हूँ। मैंने अभी क्या बोला यार, आपके एम्पलीट्यूड एक्स के ऊपर डिपेंड है, टू ए क्यू लिखा होगा, ऊपर जाने का ए, नीचे आने का ए हो गया टॉइस ए, और ये यक्स पे डिपेंड है, इसलिए वो कॉस के साथ, इसलिए टॉइस पाई यक्स बाय लैम्ब्डा लिखा है मैंने, कॉस के साथ टर्म से हो गया सर। और एक बात है, ओमेगा का फार्मूला टॉइस पाई, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, नाम सुना होगा, एक आरडी नाम का चैप्टर था रोटेशनल डायनामिक्स, उसमें पढ़ाया यार मैंने बहुत बार, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी लिए। तो ये था अपना स्टैंडिंग वेव्स इक्वेशन, लेकिन इसके साथ साथ में सर इतना ही पूछते क्या, नहीं, अगर 4 मार्क के लिए सवाल आता है तो नोड और एंटी नोड की कंडीशन लिखना पड़ती है। तो थोड़ा सा यहाँ पे ये डेरिवेशन थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन यार इंटरेस्टेड है, एक बार आप लोग है ना खुद सॉल्व करके देखिए 2-4 बार, श्योर शॉट आप लोगों को भी इंटरेस्ट आने लगेगा। चलिए तो सर क्या बताने वाले, अभी एंटी नोड की बात बताऊंगा, मैंने एंटी नोड क्या बोला था, एंटी नोड किसको बोला था, तो ये जो है बेटा यहाँ पे एक ही लूप लेता हूँ जानबूझकर, ठीक है, इसको कहते हैं एंटी नोड, इसको कहते हैं नोड, इसको भी कहते हैं नोड, आपको जो टर्म्स लेना है ले सकते हो, नोड की ले सकते हो, एंटी नोड की पहले नोड की लेंगे, चलो आपके बुक्स में नोड की है तो नोड लो, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। नोड में क्या होता है यार, हमारा एम्पलीट्यूड जीरो होता है, देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है कि नहीं, क्या इक्वेशन ए का है, हाँ जी इक्वेशन अभी लिखा मैंने, टॉइस ए कॉस टॉइस बाय एक्स बाय लैम्ब्डा, पुट अप करो ये इक्वेशन 1 ही बोलो, इक्वेशन जैसी तो है ये, तो टॉइस ए कॉस टॉइस पाई एक्स लैम्ब्डा इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सा नादानीपना छोड़ दो यार, क्यों, क्योंकि 2a को डिवाइड गया तो 0 ही मिलने वाला है। बच्चे पूछते मुझे सर ये 2a कहां गया, मैं बोलता हूं मैं तुम्हारे मामा के घर पे गया यार,
है ना यार, ईस्ट टू ए को डिवाइड लेके जाओ वाला, जीरो तो मिलेगा। अब मुझे सोचना है कॉस टर्म को निकाल के देना है, मतलब घर पे जा भैया तेरा, लेकिन उसका सब्स्टिट्यूशन कुछ वैल्यूज होने चाहिए जो हमारे काम आ जाए। तो मैंने बोला यार काम करते हैं, टॉइस पाई एक्स बाय लैम्डा, कॉस जीरो किसकी वैल्यू होती है यार? मुझे लगता है कि पाई बाई टू 90, 3π/2, 5π/2, डैश सब ऑड नंबर ऑफ पाई बाई टू है, ऑड है ना यार, ऑड नंबर्स ऑफ पाई बाई टू। चलिए सर मुझे एक्स निकालना है, निकाल सकते हैं? हाँ जी, देखो मेरे पास क्या यार, टॉइस पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई बाई टू। चलो आप लोगों को यहाँ पे पाई पाई मर गया, ठीक है ना यार, ओके। तो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय फोर, समझे? देखो ना, पाई से पाई मर गया, ये टू इधर आ गया, फोर हो गया, लैम्डा इधर गया, लैम्डा बाय फोर थी, मतलब एक्स की पहली वैल्यू आपकी लैम्डा बाय फोर थी। सर दूसरी वैल्यू क्या होगी? दूसरी वैल्यू क्या होगी? तो सोचो पहले जैसी, टॉइस पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू 3π/2, पाई से पाई मर गया यार, तो यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू ये लैम्डा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे ये 3 है एज इट इज, समझे ना, 3 लैम्डा, ये 4। एक बात समझ में आ रही है आपको कि यहाँ पे 3 लैम्डा बाय 4। थोड़ा सा सोचो कि एक लूप होता है लैम्डा बाय 2 का, लेकिन ये कितना बेटा 180 है, 180 मतलब पाई है। मुझे यहाँ पे इसको काट दिया तो लैम्डा बाय 4 हो रहा है, 90 हो रहा है ना यार, ये 90 है ना, मतलब पाई बाय 2 की जगह पे अगर आप लोग लैम्डा बाय 4 रखोगे तो बस आपका प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गया। देखो पाई बाय 2 लैम्डा बाय 4, पाई बाय 2 लैम्डा बाय 4, लेकिन 3 है। अब यहां क्या लिखोगे बताओ? 5 लैम्डा बाय 2 है, मतलब पाई बाय 2 मतलब लैम्डा बाय 4, समझ में आ रहा है? अगर आपको दो में डिफरेंस निकालना है ना, मतलब नोड नोड का अंतर, तो इसमें से ये करो, देखो एक दूसरे के नजदीक होनी चाहिए, ये इसमें से किसी में से करो, 3 लैम्डा बाय 4 माइनस लैम्डा बाय 4, मुझे बताओ क्या होगा यार, 2 लैम्डा बाय 4, ओके। तो यहां पे हम लोग देख पा रहे हैं, मुझे लगता है कि लैम्डा बाय 2 हो रहा है क्या, हाँ, मतलब नोड नोड के बीच का डिस्टेंस देखो लैम्डा बाय 2 है, क्वेश्चन है यार, ये होगा आपका नोड। सेम टू सेम एंटी नोड की बात करते हैं, सेम टू सेम क्या करेंगे, सेम सवाल है, बस एंटी नोड करना है। अब यहां पे ध्यान रखिए एंटी नोड क्या कैसे होता है, एंटी नोड, अब एंटी नोड जो है बेटा ए इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a है, ठीक है, तो a क्या है, टॉइस है, अभी बताया ना, टॉइस पर एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू टॉइस है, टॉइस a वन जा वन, मतलब कॉस टॉइस पर एक्स लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब कॉस को निकाल दो क्या होगा, कॉस 1 की वैल्यू यार 0 होती है, पाई होती है, 3/2 होते ना, ऐसी होती है ना, तो एक्स इज इक्वल टू पहले तो 0 मिल गया, 0 है ना यार, बाद में टॉइस पाई एक्स बाय लैम्डा इज इक्वल टू पाई, पाई से पाई को मरवा दो, एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2, समझे, तो दूसरी होगी बेटा लैम्डा बाय 2। मैंने बोला था यार पाई की वैल्यू लैम्डा बाय 2 है ना, यहां पे अभी क्या होगा यार, यहां पे 3 लैम्डा बाय 2 होगा, है ना, ऐसे डिफरेंस आने लगेंगे, अभी ये जो डिफरेंसेस दे रहा हूं मैं ये यही होंगे कि नहीं, बाद में सॉरी यहां पे मैंने 2 पाई लिखना चाहिए था ये, हाँ, तो यहां पे 2 लैम्डा, 2 लैम्डा मतलब यहां पे लैम्डा लिख सकते हो इंस्टेंट ऑफ, है ना, यहां पे 3 लैम्डा बाय 2 ऐसा आएगा। तो डिस्टिंग्विश निकालो यार, यहां पे हम लोग निकाल सकते हैं लैम्डा बाय 2 माइनस 0 करो, पहले इसमें ही निकालेंगे डिफरेंस, तो एक्स इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 ये डिफरेंस, मतलब उनका कहना है कि यहां पे ये जो दिख रहा है हम लोगों को, ये नोड एंटी नोड, तो एंटी नोड का जो अंतर है वो है लैम्डा बाय 2, सिंपल सा। तो ये सवाल आपको आ सकता है 4 मार्क के लिए, थोड़ी सी तैयारी करना है इसके लिए, जनरल फार्मूला लैम्डा पी डिवाइडेड बाय 2 लिख सकता हूं, पी मतलब कितने लूप्स है, समझे, तो ये सवाल श्योर शॉट आपके 4 मार्क पक्के करके देगा। थोड़ा सा फास्ट ले रहा हूँ, अगर आपको लगता है कि स्लो लेना चाहिए तो स्लो बताओ, मैं स्लो भी लूंगा। तो चलो यार बाय करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक करता हूँ बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।